रयान, अम्मी, अम्मी आप। तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, शायद उन्होंने तुमसे कुछ बात करनी है। आजाद मेरी बात सुनो। रयान को अकेला जाने दो, तुम्हारे अंकल ने रयान से अकेले में बात करनी है। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ। खिजर का ये कहना है कि कोई भी उनके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे दादा और अब्बू चुप नहीं बैठेंगे। तुम घर जाओ और उन लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ ना करें। आंटी, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? जिन लोगों ने हमारे अंकल के साथ ये सब कुछ किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। प्लीज आजाद, ऐसा कुछ मत करना, सब ठीक हो जाएगा, खत्म करो इस बात को। और उन लोगों का क्या? आजाद भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं, हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपको संभालना होगा। अच्छा ठीक है रयान, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अंकल जब तक घर नहीं आ जाते हम किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा रयान। थैंक यू। चलो रयान। रयान क्या हुआ बेटा? अरे अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे रह सकती हूँ आपके साथ? कैसे किसी और पर भरोसा करके आपके खिलाफ खड़ी हो गई? कैसे आप सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया मैंने? मुझे माफ कर दो, मीरान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने उस पर यकीन किया क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत नजर आई मुझे, उसके दिल में सिर्फ दुख नजर आया मुझे, सोचा था उसे बदल सकती हूं मैं, मगर मैं गलत थी अम्मी, मेरी वजह से ये सब हुआ। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इससे बढ़कर करते हैं बेटा, अपने बच्चों की गलतियां माफ करना और उन्हें प्यार करना बहुत आसान होता है, और माँ तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन आता है कि बच्चे अपनी माँ को समझ जाते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है। हो सकता है कभी कोई ऐसा दिन भी आए कि बच्चे अपने माँ बाप को माफ करें। चलो छोड़ो ये बातें, खुद को संभालो, शाबाश। तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इस हाल में देखेंगे तो परेशान होंगे। ठीक है, आप नहीं आएंगी मेरे साथ? मैं जरा कैंटीन से कुछ चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है। प्लीज मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से बाहर आ जाए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है रयान बेटा। मेरे अल्लाह, बेटी आप ठीक है ना बाबा? मैं ठीक हूँ बेटी, कोई भी दवाई मुझे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकती, बस मैं तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता हूँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। मैं बहुत डर गई थी बाबा, जब मैंने आपको उन मशीनों पर देखा मुझे लगा शायद फिर आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे, मैं कभी आपको गले नहीं लगाऊंगी,
हमेशा मेरी हर मुसीबत ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आप नहीं थे तो मैं अकेली हो गई थी। बस मेरी बेटी बस। रियान परेशान मत हो मेरी बच्ची। रियान मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ बाबा। नहीं मेरी बच्ची। मैंने आपसे कहा था मेरी मदद करें। बेटी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा मत सोचो। बेटी जब परेशान होगी तो अपने बाप से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? वहां पर क्यों आए थे उस वक्त? हाँ उस खत की वजह से। रियान कैसे जानती हो ये सब? तुमने देखा है? हाँ क्या तुमने पढ़ा है? नहीं लेकिन आप एम्बुलेंस में उसी खत का जिक्र कर रहे थे और एक नर्स ने भी मुझे यही बताया था। हमने बहुत कोशिश की उस खत को ढूंढने की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गुम हो गया वो बेटी। दिलशा ने लिखा था वो खत सिर्फ मेरे लिए। उस खत में मेरी बेगुनाही का सबूत था रेहान। मीरान की आंखों से मैं अजीजा का पर्दा हटा सकता था और अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। जिस शख्स ने आपको वो खत दिया था बाबा, क्या वो खुदा का नहीं बता सकता? रेहान बेटी नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने इतना ही कर दिया, यही बहुत है। मगर बाबा हम। नहीं बेटी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अजीजा कितनी खतरनाक औरत है। वो कुछ भी कर सकती है। समझी तुम? अगर इससे ज्यादा उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो अजीजा उसे भी अपने इंतकाम के हाथ में चला देगी। हम कुछ नहीं कर सकते। सब मेरी गलती है। कर दो मेरी बेटी। बाबा गलती सिर्फ मेरी है, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही।